सुप्रभात बच्चों, आज का व्यंजन है ग ग ग ग से गाजर, ग से गाजर, ग से गाजर, ग से गधा, ग से गधा, ग से गमला, ग से गमला। तो बच्चों, हमने देखा ग से क्या क्या होता है। अब हम एक अच्छी सी कहानी सुनते हैं। एक थी लड़की, वो अपने पिताजी के साथ एक खूबसूरत सा गार्डन बना रही थी और उसने उसमें ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए, छोटे छोटे, और उसमें अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल उगाए गमलों में। किसमें फूल उगाए? गमलों में अच्छे अच्छे फूल उगाए, रंग बिरंगे फूल उगाए गमलों में, फूल उगाए गमलों में, है ना। और वो बहुत खुश थी, वाह मेरा गार्डन कितना सुंदर लग रहा है। और उसके पिताजी बोले, हाँ बेटे, तुमने तो मेरी बहुत मदद की, इतना अच्छा अच्छा तुमने गार्डन बना दिया, बहुत सुंदर लग रहा है, ये प्यारे प्यारे फूल और ये पेड़ पौधे, बहुत हरियाली है, अच्छा लग रहा है। तभी एक गधा आया और गधे ने सारी हरियाली खराब कर दी, सारा पेड़ पौधा खा पी के, जो गमलों में जो प्यारे प्यारे फूल लगे थे वो सब इस गधे ने खा लिया, सब खा लिया। और जितनी भी हरियाली थी, जो भी बाग इन्होंने बनाया था, सब चौपट हो गया। वो लड़की जब बाहर आई, उसने देखा तो वो हैरान रह गई, ओ नो, ये क्या हो गया, मेरी पूरी हरियाली खराब, ये किसने किया। उसे बहुत गुस्सा आया। तभी उसने देखा वहाँ पर गधा खड़ा होकर फूल चबा रहा था मुँह में, ये जो फूल है ना, इसको चबा रहा था वो अपने मुँह में। लड़की को आया गुस्सा, उसने बोला, तुम्हें मेरा ही बाग मिला था खराब करने, अरे चबाना ही था तो मैं तुम्हें देती चबाने के लिए कुछ और, तुमने मेरा ये बाग क्यों खराब किया, क्यों ये फूल खा खा के, ये पेड़ पौधे खा खा के तुमने मेरा बाग खराब कर दिया। और तब लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने बोला कि आगे से तुम बिल्कुल भी मेरे पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाओगे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ एक अच्छी सी चीज़ खाने, उसको ही चबाते रहना। और वो लड़की गाजर लेके आई। क्या लाई? गाजर, ग से गाजर, ग से गाजर। तो गाजर लेके आई और उसने गधे से कहा, गधे भैया, अब आप मेरा बाग कभी खराब मत करना, अब सिर्फ ये गाजर खाना, ग से गाजर, ग से गधा, ग से गधा, ग से गाजर, और ग से गमला। तो अच्छी लगी आपको कहानी? फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए।